पैराथायरॉयड एडिनोमा पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के अंदर एक ट्यूमर होता है जो ओवर प्रोडक्शन करता है एक हार्मोन का, जिसे हम बोलते हैं PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन। PTH बढ़ने से सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो कैल्शियम बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिपॉजिट होकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सो, आज हम डिस्कस करेंगे पैराथायरॉयड एडिनोमा और इसका ट्रीटमेंट। सो, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, चार ग्लैंड्स होते हैं हमारी नेक में, गर्दन में, और थायरॉयड ग्लैंड के पीछे पड़े होते हैं दो छोटे ग्लैंड्स ऑन द राइट साइड एंड दो ऑन द लेफ्ट साइड। सो, इनमें से चारों में से कोई भी एक या मल्टीपल ग्लैंड्स ओवर प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं और उनका ट्यूमर हो जाता है। पैराथायरॉयड एडिनोमा डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? तो आमतौर पे ये ट्यूमर्स बहुत ही छोटे होते हैं और जनरली कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, और बहुत सारे केसेस में स्वेलिंग बहुत ही छोटी होने की वजह से दिखाई या महसूस भी नहीं होती। तो जब भी हम नॉर्मल ब्लड वर्कअप कर रहे होते हैं, कोई रूटीन ब्लड चेकअप, तो उसमें अगर सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ पाया जाए तो हमें शक होता है कि कहीं PTH तो नहीं बढ़ा हुआ, तो फिर हम PTH लेवल भी चेक करवाते हैं। अगर सीरम PTH लेवल भी बढ़ा हुआ हो फिर हम उसके बाद अल्ट्रासाउंड नेक करवाते हैं, ये देखने के लिए कि पैराथायरॉयड ग्लैंड में कोई ट्यूमर तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड से हम उस ग्लैंड को मेजर कर सकते हैं कि इसका साइज़ कितना है, और चारों ग्लैंड्स चेक हो जाते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में भी स्वेलिंग हो, पैराथायरॉयड ग्लैंड चारों में से किसी एक में भी स्वेलिंग हो, तो फिर हम एक और टेस्ट करवाते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर स्कैन और सिस्टम EB स्कैन। इस स्कैन से हम क्या पता करना चाहते हैं? इस स्कैन से हम ये देखना चाहते हैं कि उन चार ग्लैंड्स में से कौन सा ओवर एक्टिव है, एक है या मल्टीपल है। पैराथायरॉयड एडिनोमा का ट्रीटमेंट क्या है? सो, ऑल्दो पैराथायरॉयड एडिनोमा कोई कैंसर नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका ट्रीटमेंट सर्जरी से किया जाता है। सो, जो भी ओवर फंक्शनिंग ग्लैंड है, ट्यूमर है, उसको हमें निकालना पड़ता है। इस सर्जरी से पहले, जैसे हम किसी भी सर्जरी में रूटीन ब्लड टेस्ट करवाते हैं, वो सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे CBC, वायरल मार्कर्स, KFT, LFT, RBS, ECG वगैरह। उसके बाद एनेस्थीसिया से फिटनेस ली जाती है और हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। एडमिशन के बाद ये प्रोसीजर जनरल एनेस्थीसिया में होता है। इसमें नेक के ऊपर हम एक छोटा इंसीजन देते हैं, उसके थ्रू उस ग्लैंड को, फंक्शनिंग ग्लैंड को हम निकाल देते हैं। अब इसमें कुछ टेक्निकली चीज़ें होती हैं। सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही हम ये कन्फर्म करते हैं कि हमने वो ऑफेंडिंग जो प्रॉब्लमेटिक ग्लैंड या ट्यूमर था वो पूरी तरह से निकाल दिया है या नहीं। ये हम कैसे इंश्योर करते हैं, कैसे कन्फर्म करते हैं? सो, सबसे पहले हम इंट्रा ऑपरेटिवली उस जो हमने टिश्यू निकाला है उसे हम फ्रोजन सेक्शन के लिए भेजते हैं। उसी टाइम पे हम पैथोलॉजी लैब में भेजते हैं और वो हमें 10 से 15 मिनट के अंदर ही बता देते हैं कि ये पैराथायरॉयड एडिनोमा ही है। दूसरा टेस्ट कराते हैं ब्लड टेस्ट। सीरम PTH लेवल जो पहले बढ़ा हुआ था उसको हम सर्जरी के दौरान 5-10 मिनट के बाद एक बार फिर से सैंपल उसका भेजते हैं, और 50% रिडक्शन उसका उसी टाइम हो जाता है। सो, दिस विल कन्फर्म कि वो ऑफेंडिंग पैराथायरॉयड ट्यूमर, इट हैज़ बीन रिमूव्ड। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि ग्लैंड्स, दे आर ट्यूमर्स आर वेरी स्मॉल, तो उनको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे केसेस में हम इंट्रा ऑपरेटिवली अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन सर्जरी के अंदर OT में लेके, और हम रीकन्फर्म कर सकते हैं लोकेशन की। इसके अलावा कई बार हमने कई केसेस ऐसे भी किए हैं जिसमें हमने यहाँ पे इंसीजन ना देके हमने एक्सिला के थ्रू, यहाँ से हम दूरबीन से भी हम पैराथायरॉयड ट्यूमर्स निकाल सकते हैं। ये दोनों अप्रोचेस, यहाँ पे चीरा लगे या यहाँ से बाहर निकालें, इन दोनों के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं। वो पेशेंट टू पेशेंट हम डिसाइड करते हैं कि किस केस में हमने यहाँ पे चीरा देना है और किस केस में हमने एक्सिला से और बगल से भी अप्रोच कर सकते हैं। सर्जरी के बाद एक या दो दिन तक पेशेंट एडमिट रहते हैं। हम सीरम कैल्शियम को मॉनिटर करते हैं। यूजुअली 1 से 2 दिन के बाद हम मरीज़ को छुट्टी कर देते हैं। आमतौर पे ये ट्यूमर, क्योंकि हमने एक निकाल ही दिया तो दोबारा होने का चांस नहीं रहता। जो बाकी के 2 या 3 ग्लैंड्स बचे हुए हैं वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और PTH सिक्रीशंस को नॉर्मलाइज करने में सफिशेंट होते हैं।